नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गरियाबंद जिला पुलिस ने नौनिहाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने खेलों में प्रतिभा रखने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। साथ ही ऑडियो क्लिपिंग के द्वारा बनाए गए गरियाबंद के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस परिवारों के बच्चों की एक खेल प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, जिसमें विजय बच्चों को पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, एडिशनल SP सुखनंदन राठौर, DSP श्री कंवर तथा RI उमेश राय के हाथों सम्मानित कर पुरस्कार वितरण किया गया था। इस अवसर पर SP भोजराम पटेल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बच्चे घरों में लंबे समय तक रहे, अब इस तरह की प्रतियोगिता और खेल कूद की जरूरत महसूस हो रही थी। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों को पुरस्कृत करते हुए पुलिस विभाग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे बच्चों में खेल कूद में रुचि बढ़ाने के साथ पढ़ाई में भी आगे रहे, यही बच्चे कल के भविष्य है। इन्हें खेल के साथ साथ मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी दिए जाने की तैयारी है। इस दौरान बच्चों की खेल प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण करने वाली 2 महिला पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। वही खास बात यह रही कि सम्मान पाने वाले बच्चों के पालक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जो अपने बच्चों को पुरस्कृत होते देखकर भावुक एवं आनंदित होते रहे। अपने पुलिस परिवार के बच्चों के लिए खेल का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ये था कि सभी बच्चे जो भी कोरोना काल में अपने घर में थे, तो सभी बच्चे घर से बाहर निकलें और खेल कूद के द्वारा एक दूसरे को जाने पहचाने और उनके अंदर में जो एक खालीपन आया था, वह उस खालीपन को उनको दूर करने की कोशिश किया और सभी बच्चे फिजिकल फिटनेस के महत्व को समझ सकें। इसके साथ साथ हम लोगों ने खेल के साथ साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था किया था, ताकि उनका पढ़ाई का किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ऑनलाइन क्लासेस भी चले, तो इस खेल का उद्देश्य एक दूसरे के साथ में संभाव करना, एक दूसरे को पहचानना और आगे बढ़ने के लिए और भविष्य में होने वाली कई सारी परीक्षाएं जिसमें फिजिकल की जरूरत पड़ती है, बच्चे आज से ही तैयार हों, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत नौनिहाल प्रतियोगिता के रूप में की थी। वीडियो हम लोगों ने बनाया है, उस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ की संभावनाओं को बताया है और साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि हमारे जिले के लोग और पुलिस किस प्रकार से मिल करके सद्भावना एवं संभाव के साथ में काम करती है। आपने ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।